गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ पूजा और आज है नवरात्रा का दूसरा डे। तो मैंने सोचा आज मैं आप लोगों को कहीं लेके चलती हूँ, मेरे साथ आप लोग बने रहिए वीडियो में। तो वीडियो काफ़ी अच्छी होने वाली है, मैं कुछ अच्छी चीज़ आपके साथ आज शेयर करूँगी। तो प्लीज़ मेरे साथ बने रहिए और अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए मैं आपको लेके चलती हूँ। तो मैं आज आपको लेके चल रही हूँ, ये हमारे यहाँ पे बनता है दुर्गा जी की प्रतिमा, वो दिखाने के लिए आपको लेके चलती हूँ कि कहाँ बनता है और कैसा बनता है। तो चलिए फिर चलते। तो मैं यहाँ आ गई हूँ, यहाँ पे हमारे यहाँ पे बनता है दुर्गा जी का प्रतिमा। तो आज मैं आपको दिखा रही हूँ कि देखिए कितनी सुंदर प्रतिमा यहाँ पे बनी हुई है। तो मैं बारी बारी से दिखाती हूँ, लगभग पूरी कंप्लीट है। और ये आज है दुर्गा पूजा का दूसरा डे और यहाँ पे पंचमी से पूजा स्टार्ट हो जाता है। तो सारे पंडाल में पहुँच जाएगी माँ दुर्गा 2-3 दिनों में। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि कैसी बनी है प्रतिमा। ये हमारे ठाकुर दादू हैं, ये प्रतिमा को लास्ट फिनिशिंग दे रहे हैं माँ दुर्गा की। तो आप देख सकते हैं ये जितनी भी मूर्तियाँ हैं सब हमारे ठाकुर दादू ने ही बनाए हैं। तो तुम्हारा एखे देखते ही पाच कि सुंदर को ठाकुरगुलो बनानो हो, प्रत्येक कटा दुर्गार प्रतिमागुलो कि सुंदर लागे देखते। तो তোমরা এখানে দেখো, এখানে প্রত্যেক কটা প্রত্যেকটা কি সুন্দর দারুণ দেখতে হয়েছে। মুখগুলো দেখো, চোখগুলো দেখো কি সুন্দর। এখানে থার্মোকল দিয়ে করা হয়েছে, এখানে এরকম প্রতিমা থাকে, ইস তরহ সে প্রতিমা রহতি হ্যায়। ইস প্রতিমা কো ফির পেন্টিং কিয়া যাতা হ্যায়, ফির বস্ত্র পহনায়া যাতা হ্যায়, फिर आपको मुकुट लगाया जाता है, हेयर लगाए जाते हैं। तो कुछ इस तरह से प्रतिमा फिर तैयार होती हैं। तो ये थर्मोकॉल लगा है, थर्मोकॉल से उनके वस्त्र को बनाया गया है। जो जिस तरह से ऑर्डर करता है उस हिसाब से यहाँ पे मूर्तियों को तैयार किया जाता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे पूरे हर तरह की मूर्तियाँ हैं। तो कितना सुंदर लग रहा है ना, देवी की प्रतिमा देख करके लग रहा है कि अभी मैंने बस माता रानी अब आ चुकी हैं हमारे यहाँ पे, दुर्गा पूजा स्टार्ट हो चुकी है, माहौल बन चुका है। तो काफ़ी अच्छा लगता है, खुशनुमा मिजाज हो जाता है। तो ये कोलकाता का तो सबसे फेमस है दुर्गा पूजा, यहाँ पे बहुत ही बहुत ज़्यादा अच्छे ढंग से मनाया जाता है। पंचमी से स्टार्ट हो जाते हैं पंडालों में पूजा, बट यहाँ पर तीसरे पूजा से ही बैठना स्टार्ट हो जाता है पंडालों में मूर्ति, और लोग यहाँ पंचमी से घूमना स्टार्ट कर देते हैं। तो मैं यहाँ पे प्रतिमा देख रही हूँ, तो मैंने एक छोटी सी वीडियो बनाई है। ये अभी पार्लर जाने के लिए तैयार है। तो ये मेरी स्टूडेंट है, आप लोग इससे पहले मिल चुके हो। तो हम इसी के घर पे आए हैं, यहाँ पे बनते हैं। इसके दादाजी बहुत अच्छे मूर्तिकार हैं, तो वो अभी है नहीं तो मैं आपको दिखाती। एक मिनट, यहाँ देखिए ये माँ दुर्गा के जो हेयर्स को रखा गया है, ये हेयर हैं, इसी को फिर लगाया जाता है उनके बालों को यहाँ पे। जो है हमारे घर के पास ही मूर्ति बनती है, यहाँ 50 साल से ऊपर से मूर्ति बन रही है। वो जो दादू को मैंने दिखाया ना, वही उन्हें बनाते हैं और जनरेशन बाय जनरेशन चलते आ रहा है। तो अभी काका लोग बनाते हैं, तो बहुत बारीकी से बनता है यहाँ पे हर एक चीज़। मैंने सोचा था आप लोगों को सब चीज़ दिखाऊं, बट समय नहीं हो पाया इसलिए मैं नहीं दिखा पाई। तो यहाँ पे मूर्तियाँ बिल्कुल रेडी हो चुकी हैं। तो आप देख सकते हो यहाँ पे गणेश जी हैं, तो सभी अभी लगभग अब मूर्तियाँ निकल रही हैं पंडाल की तरफ। तो फ्रेंड्स मैं आ चुकी हूँ अब घर में। हमारे यहाँ पे एकदम पास में ही बनता है मूर्ति, तो मैंने सोचा क्यों ना चलो आप लोगों से शेयर करूँ। ये कोलकाता में दुर्गा पूजा तो बहुत ज़्यादा फेमस है और हर बार तो यहाँ पे बहुत अच्छा बनता था, यहाँ हमारे पास में बनता था, बट इस बार थोड़ी प्रतिमा कम बन रही हैं। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि मेरे घर में भी आज हुई है पूजा, नवरात्रा की दूसरे डे की पूजा। तो आज है माता ब्रह्मचारिणी की पूजा। तो आप लोगों को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं मेरे तरफ से। और अभी मेरा बेटा फ़िलहाल सो रहा है रियांश, तो अभी घर पे मम्मी खाना बना रही हैं। बस यही सब आज दिन भर का शेड्यूल है हमारा। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि मेरे घर में जो पूजा हुई है वो भी आपको इसके साथ मैं शेयर करूँगी। फ्रेंड्स हमारे यहाँ मेरे घर के एकदम बिल्कुल पास में ही प्रतिमा बनती है, तो मैंने सोचा कि चलो क्यों ना ये भी ब्लॉग मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ। बहुत ही
अच्छी प्रतिमा यहाँ पे बनाते हैं। ये जो बहुत पुराने आई थिंक से 50 ईयर्स से यहाँ पे मूर्ति बन रही है, जनरेशन बाय जनरेशन ये लोग अपनी मूर्तियाँ बना रहे हैं। तो ये जो है मैंने आपको दिखाया ही कितनी खूबसूरत से प्रतिमा बनाते हैं यहाँ पे, सब बारी बारी से बनता है। तो बहुत सारी मूर्तियाँ निकल चुकी हैं, तो मैं ज़्यादा मूर्तियाँ आप लोगों को दिखा नहीं पाई। तो जितनी थी वहाँ पे मैं काफ़ी दिनों से सोच रही थी कि ये ब्लॉग आप लोगों के साथ शेयर करूँ, बट टाइम का इशू हो रहा था इसीलिए मैं आप लोगों के साथ शेयर कर नहीं पा रही थी। तो फ्रेंड्स सॉरी फॉर दैट। तो कोई बात नहीं, अब मैंने आपको जितना दिखाया अगर आप लोगों को अच्छी लगे तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं कि ताकि मैं और भी बहुत सारी ब्लॉग्स आप लोगों के साथ शेयर करूं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।